नमस्कार, आप देख रहे हैं जेनआई न्यूज। जेनआई न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रवि वर्मा। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। बहराइच की नई एसपी एक्शन मोड में, बोली अपराधिका और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त नजर। बहराइच 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहराइच पुलिस भी अलर्ट मूड में है। कल ही बहराइच में नई पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाली आईपीएस वृंदा शुक्ला ने आज ही शहर के कई इलाकों में रूट मार्च किया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सर्विलांस और एलआईयू के माध्यम से नजर रखी जा रही। बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर लगातार एसएसबी से निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित है, जिसके जरिए भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि ज्यादा लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पूर्ण होने तक अयोध्या की तरफ न जाए। बस और ट्रक एसोसिएशन के लोगों से भी संपर्क कर उन्हें भी कहा गया है कि वो उस दिन गाड़ियों का संचालन कम से कम रखें और कार्यक्रम के दौरान डायवर्जन के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में। जी, हमारी तैयारियां एक तो ये हैं कि सभी को जागरूक करना कि प्राण प्रतिष्ठा की समाप्ति तक कोई भी इस तरह से आयोजन में नहीं जा सकता है। जगह जगह पे ट्रैफिक बैरियर्स लगे होंगे और ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी ये बताया जा रहा है। रोड और जो बस और ट्रक एसोसिएशन हैं उनके साथ में मीटिंग्स की जा रही हैं कि वो भी अपना संचालन कम से कम रखें ताकि उस दिन रोड्स पे अधिक प्रेशर ना आए। बहुत डाइवर्जन होगी और बहुत बड़े स्तर पे व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसी के साथ बहुत से जो संदिग्ध पूर्व के अपराधी हैं जो कि कोई बाधा डाल सकते हैं, उनके संबंध में भी विस्तृत छानबीन चल रही है। सर्वेलेंस के माध्यम से उन पर नज़र रखी जा रही है, बॉर्डर पर नज़र रखी जा रही है, अभिसूचना के माध्यम से भी और पूर्व के आपराधिक इतिहास के माध्यम से भी, ताकि कोई भी अराजक तत्व बहराइच के माध्यम से इस कार्यक्रम में बाधा ना डाल पाए। इंडो नेपाल बॉर्डर से भी कुछ दिन पहले चीनी महिला की गिरफ्तारी हुई थी और यहाँ पर कई आतंकवादी पहले भी पकड़े गए, तो ऐसे को लेकर बॉर्डर पर क्या सुरक्षा के निर्देश देंगे क्या? जी देखिए, एसएसपी जिनकी प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर की सुरक्षा, उनके साथ पुलिस का एक निरंतर संवाद और समन्वय बना रहना चाहिए ताकि दोनों की एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन का काम हो और उनकी सूचना और हमारी सूचना के आधार पर इस प्रकार के जितने ट्रेसपासर्स हैं उनकी हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर सकें।